मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सालों से उठ रही मांग पैसा एक्ट लागू हो गया है। ये कानून प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ाएगा एवं मजबूत करेगा। यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या बाहुल्य में है। आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का संरक्षण के लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपको बता दें कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर शहडोल से मुख्यमंत्री ने पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा की थी। पैसा एक्ट की 5 प्रमुख बातें ये है कि जमीन आपकी, जल आपका, जंगल आपके, श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान एवं स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। दरअसल इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में एक ग्राम समिति बनाई गई है और उस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा। इस समिति का काम नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, बंजारों की देखरेख तथा अन्य कार्य जुड़े हैं। वहीं पैसा एक्ट को लेकर जब हमने विपक्ष एवं आदिवासी समाज से चर्चा की तो उन्होंने कहा, अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आदिवासियों पर आंखों धूल झोंकने के लिए कमजोर पैसा कानून लागू किया गया है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में पैसा कानून के सभी प्रावधानों को भी लागू करें ताकि आदिवासी वर्ग को सही मायने में सरकार द्वारा बनाए गए आदिवासी हितैषी कानून का लाभ मिल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 में निर्दिष्ट है पहले से, और 1996 में ये अधिनियम बना था, लेकिन अभी तक सरकार जो है उसको लागू नहीं की। और आज जो है तो सिर्फ चुनावी माहौल को देखते हुए धीरे धीरे जो है ये जो है तो लागू कर रही है। तो देखिए, ऐसा है कि लाभ तो मिलेगा, ये तो बनाया ही गया था भारतीय संविधान में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये लिखा ही था कि इन आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिया जाए जिससे स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके। लेकिन अभी जो 20 जिलों में अभी मात्र जो 20 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है, तो क्या इससे आदिवासी समाज का भला होगा? संपूर्ण आदिवासी समाज इसमें शामिल होगा? ऐसा है कि जो 20 जिलों को इन्होंने वो किया है चिन्हित, तो ये इससे जो है तो देखिए, ये तो सरकार की मंशा इस तरह से है कि कुछ जगह लाभ देकर बाकी लोगों को वंचित करना, लेकिन ये तो हर जिलों में जो है तो लागू करना चाहिए। तो हर ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों के साथ तो अन्याय है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैसा एक्ट, पहले अन्य प्रदेशों में भी ये लागू है, तो पैसा एक्ट के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया गया निश्चित तौर से सराहनीय है। ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर से एक्ट की प्रमुख 5 बातें हैं। जिस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में वन भूमियाँ या अनुसूचित जनजाति के जो भूमियाँ हैं जिसमें यदि कोई उद्योग स्थापित करता है तो ग्राम सभा के वहाँ के प्रधान को एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया गया है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के इस कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर पाएगा, या जो SC ST की भूमि को एक अधिकार बना लेते थे उन पर गुमराह करके अवैध कब्जा कर लेते थे, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस एक्ट आने के बाद अनुसूचित जनजाति या पिछड़े हुए तबके, अंतिम छोर के व्यक्तियों को मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आयाम दिया है और इस एक्ट के माध्यम से उनको सबल बनाने का काम किया है। और ग्राम सभा के माध्यम से उन भूमियों को यदि वहाँ के प्रधान चाहेंगे, यदि कोई ले भी लिया है तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, ग्राम सभा को ही विशेषाधिकार होंगे। सर्वे हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उन जिलों में SC ST कहाँ कहाँ हैं और वो उसके लिए मापदंड निर्धारित हैं, तो निश्चित तौर से भी मध्य प्रदेश सरकार एक्ट लाने के बाद ये सर्वे कर रही है कि पहली बार पैसा एक्ट के माध्यम से उन क्षेत्रों में पहली बार क्रियान्वयन करने की बात की जा रही है। दूसरे चरण में ऐसे जिलों में जहां आदिवासी SC ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं या पिछड़े समाज के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए सर्वे करके प्रावधान लाया जाएगा। और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे जनजाति के लोगों के लिए उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक्ट लाया गया है, और यह सर्वे के बाद पता चलेगा कि कितने प्रतिशत में उनको ये लाभ मिल पाता है, इसके लाभ क्या। अधिक से अधिक मेरा ये मानना है कि इस एक्ट में लाभ होंगे निश्चित तौर से ऐसे वर्गों के लिए। अब देखिए, जिस तरह से ये कानून लाया गया है, उस दिन भी मैं स्टेटमेंट CM साहब का सुन रहा था जहाँ से उन्होंने घोषणा किया था कार्यक्रम स्थल से, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कानून बन चुके हैं, कई जातियों के लिए, समुदाय के लिए कानून बन चुके हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। और जिस तरह से ये कानून बनाया गया है कि उनकी ज़मीन पर जो कब्जा होगा वो कब्जा तत्काल हटाया जाएगा, सारे पावर ग्राम सभा को दिए गए हैं, FIR होगी तो ग्राम सभा को सूचना देना पड़ेगा, है ना, कोई कब्जा होगा, खसरा होगा, खसरा निकालना, तो ये तो इससे भी बड़े कानून बने हैं। तो ये जो इससे कोई उनका लाभ होने वाला नहीं है,